बाहुबली स्टार प्रभास ने अपने और करण जौहर के रिलेशनशिप्स के बीच में जो रूमर्स चल रहे थे उस पे लगाया है फाइनल दी एंड. लेट्स हियर इट आउट व्हाट ही हैड टू से. करण जौहर और अपने बीच प्रॉब्लम की न्यूज को खत्म करते हुए प्रभास ने कहा है There is nothing like that. Even Karan called me saying that some false news is out. We don't have any bad blood. साफ है. प्रभास का कहना है उनके बीच प्रॉब्लम की जो भी खबरें आई थी वो सिर्फ और सिर्फ रूमर थी. तो बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि प्रभास और करण जौहर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और प्रभास जो है करण जौहर को डेट्स नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं. तो अब भैया फाइनली जो है ये सारे रूमर्स को बंद कर दिया है, सबके मुंह बंद कर दिए हैं प्रभास ने. एग्जैक्टली ही इन फैक्ट सेट कि यार मेरे और करण के तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हम 4 साल से बाहुबली में काम कर रहे थे. ही इन फैक्ट सेट दैट ही एक्चुअली लाइक्स कुछ कुछ होता है. फॉर वंस अ स्टार हैज कम एंड सेड कि भाई यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सो डोंट मेक इट अ इशू. बट यू नो अच्छा लगता है जब स्टार आके खुद कहता है कि भाई ये जो रूमर्स है ना ये नहीं है. वो होता है ना कि नो कॉमेंट्स, आई डोंट टू गिव यू एनी कॉमेंट, जो वहाँ से फिर और रूमर्स को जो है आग लगती है. अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि क्या ये सच है, या तो आप कह दो सच है या तो आप कह दो झूठ है, खत्म कर दो उस रूमर को. तो ये अच्छा लगा मुझे कि प्रभास ने आकर सामने सीधे सीधे कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट ही हैड ऑल प्रेजेस फॉर श्रद्धा कपूर. वो कहते हैं कि हिंदी का जो टेक है वो साहू के लिए शूटिंग कर रहे हैं, तो हिंदी के टेक में तो 2-3 रीटेक्स होते थे श्रद्धा कपूर के, लेकिन जो उनका जो रीजनल लैंग्वेज का जो टेक है उसमें जो है वो फर्स्ट टेक ही नॉर्मली यू नो ओके हो जाता था. तो इट्स नाइस टू सी हाउ दीज गाइज आर ऑल जेलिंग अलॉन्ग, यू नो प्रभास एंड श्रद्धा एंड इवन करण जौहर, ऑल द रिलेशनशिप. It's all cool. Yeah, and apparently Sarika, this movie that they're shooting for Saho is apparently the longest movie after Tiger Zinda Hai that they have a shoot scheduled for. Abu Dhabi mein they are shooting and it's good to know that all's well. All's well.